आगे बढ़ा दू यस सर। सिट्रोम सीवन, अब देखो यहाँ से हमने अभी बताया था, यहाँ के बाद से अब कहीं भी कोई भी एच प्लस को नहीं पकड़ेगा। देखो इसमें बहुत सारे और भी कारण है कि हम एच प्लस को क्यों नहीं पकड़ सकते, अब क्यों यहां ले सकते, और भी कॉजेज है, लेकिन आपके लेवल पर इतना डिस्क्रिप्शन एनफ है कि किस तरह से हम जो है उसको एनएडीएच को ऑक्सीडाइज करके हम एटीपी बनवा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपके लेवल पर उतना क्लियरिटी अगर बताने की भी कोशिश करेंगे तो आप अभी इतना कॉन्सेप्ट एनफ नहीं आपका कि उन चीजों को आप समझ पाओ, इसलिए ध्यान देना। अब इसके बाद देखो टू इलेक्ट्रॉन यहां था, फिर सिंपल वही कहानी, सिटक्रोम सीवन दो फॉर्म में आएगा, फेरिक फेरस में कन्वर्ट हुआ करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Fe3+ में इलेक्ट्रॉन लेकर Fe2+ में, फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे फिर Fe3+ में, तो इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे Fe3+ फॉर्म में, जब रहेंगे इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे तो फेरस में, यही डाउन नीचे नीचे भेजते चले जाएंगे। तो C2C1 ने, साइटोक्रोम C1 ने Fe3+ फॉर्म से Fe2+ में हुआ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के, फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ा फिर इस फॉर्म में आ गया Fe3+ फॉर्म में, फिर सिटक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन कहां गया, सिटक्रोम C2 में, ये Fe3 से Fe2+ फॉर्म, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे छोड़ रहा है फिर से फेरिक फॉर्म। ये बात समझ पा रहे थे, yes. जो रहा है आप yes. कोई सामान पकड़ रहे हैं इधर छोड़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, देखो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे छोड़ने के बाद फिर से फेरिक फॉर्म, फिर सिटक्रोम ए को आ रहा है, फिर सिटक्रोम ए3 को आ रहा है, और किस तरह आ रहा है, मैंने कहा नहीं था कि सारे के सारे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और ये फेरिक और फेरस फॉर्म में अल्टरनेट जो है रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। देखो क्या क्या हो रहा है, एक बार रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे तो ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, तो इन सबका अपना रिडॉक्स पोटेंशियल है, पोटेंशियल टू बिकम रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज दोनों एक साथ है। फाइनली इलेक्ट्रॉन होते होते कहां पहुंचा, सिटक्रोम ए3 तक, प्रोटॉन की प्रोटॉन पंप करने वाले जो थे ना वो सब खत्म हो गए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम ए3 कॉम्प्लेक्स, इसके जस्ट नीचे कौन बैठा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो नीचे बैठता है, इसी ने थ्रस्ट क्रिएट किया था, इसी ने थ्रस्ट क्रिएट किया था जिससे आपके इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडिएंट जा रहे थे नीचे, यही ऑक्सीजन आप यहां से हटा दो, ये थ्रस्ट खत्म हो जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन को लेना बंद कर देंगे, एनएडीएच का टूटना बंद हो जाएगा, आपका रिड्यूस नहीं हो पाएंगे सारे के सारे कोएंजाइम्स एनएडीएच प्लस एच प्लस। तो ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन कहां हुआ, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां आया, वापस मैट्रिक्स में, और जो टू एच प्लस, देखो अभी आपने यहां बाहर निकाला था टू एच प्लस, जो ये लास्ट वाले एफ जीरो एफ वन पार्टिकल्स निकला था, इस टू एच प्लस किसी ने नहीं पकड़ा ना, अब ये टू एच प्लस जो है मैट्रिक्स में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 2H+, और ये इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होते हुए सिटक्रोम A3 से फाइनली किसको आ रहा है, ऑक्सीजन। तो दिस 2H+ एंड दिस इलेक्ट्रॉन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कंडीशन ऑक्सीजनिक है, कंडीशन जो है एरोबिक है, क्या बना दिया इसने, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रिएक्शन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, एंडिंग, ठीक। तो ये फाइनल स्टेप है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रिएक्शन। लिसन टू मी, इसमें एक क्वेश्चन दिया था कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कॉम्प्लेक्स, ये एक कहानी हुई एनएडीएच के साथ में। देखो एनएडीएच प्लस एच प्लस यहां ब्रेकआउट करने के बाद हमने तीन बार उसको एफ जीरो एफ नॉट पार्टिकल से डाउन द ग्रेडिएंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो, तो ये सारे के सारे कुछ नहीं कर रहे हैं, टू एच प्लस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए वजह से, क्योंकि टू एच प्लस को इलेक्ट्रॉन के साथ में तब इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करते हुए उसको वहां ले जा पाएंगे, तो 2H+ को ये क्या कर रहे हैं, पीएमएस में छोड़ रहे हैं, फिर पीछे ला रहे हैं मैट्रिक्स में, एनर्जी निकल रही है एटीपी बना रहे हैं, फिर इसको पकड़ के फिर देख रहे हैं कहां पीएमएस में, फिर इसको डाउन द ग्रेडिएंट छोड़ रहे हैं मैट्रिक्स में आ रहे हैं, फिर एनर्जी बना रहे हैं, ऐसा वो तीन बार कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली आयरन सल्फर जितनी आपकी प्रोटीन्स लगी हुई है, ये सब के सब क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्सेस, इनका सबका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का, इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजने का, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसको, यही है बेसिकली आपका। अब देखो इसमें एक चीज और कहा, यहां पर हमने क्या करा है, एनएडीएच प्लस एच प्लस का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, रिड्यूस था, क्या कराया, ऑक्सीडेशन, और इसके ऑक्सीडेशन के बाद फाइनली हम जो गेट कर रहे हैं वो एटीपी बना रहे हैं, तो एटीपी जब बन रही है एडीपी से, तो क्या हो रहा है, एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडिट टू फॉर्म द एटीपी, तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और इसका, और इसका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसी कहा गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल है। अब एक टॉपिक और एक आता है, जरा आप रोक दीजिए,
प्लस एच प्लस के मॉलिक्यूल से किस तरह से तीन एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ हो ना हो, लेकिन जो सबसे मतलब जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा वो एक बात जरूर सीख गया होगा कि एक एनएडीएच प्लस एच प्लस मॉलिक्यूल से तीन एटीपी बनते हैं। ये तो कहानी का जो है इतना तो आ ही गया होगा ना। इसे कहते हैं एक स्टेप राइज करते जाओ, जो चीजें आपने पहले नहीं सीखी है वह आप आगे सीख जाओगे। तो उस समय पर कुछ मत सीखो, तो आप ये भी ध्यान रखिए अगर आप इसे नहीं सीखना चाहते मत सीखिए, आप आगे जाएंगे खुद जान जाएंगे। ऐसा चीज नहीं है, इसको देखो एक एनएडीएच प्लस एच प्लस। अब हाँ आप कंपेरिजन करते हैं, जो एफएडीएच टू का मॉलिक्यूल जो आपका ये क्रेब्स साइकिल में निकल रही है, एक ही मॉलिक्यूल निकलती है क्रेब्स साइकिल में, दो एक में दो निकलती है और दो क्रेब्स साइकिल में की टोटल एक टर्म में एक एनएडीएच है, दो टर्म में दो एफएडीएच टू के मॉलिक्यूल बनते हैं। FADH2 की और NADH में डिफरेंस इतना है कि FADH2 का रिडक्शन पोटेंशियल है ये लोअर है, कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। तो याद रखना कि कोई भी चीज जो होती है वो अपने मैचिंग के लेवल पर एंट्री करती है, या सेंट्रीफ्यूगेशन आपको आगे पढ़ाएंगे डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन, तो वहां भी आप देखोगे कोई चीज जो होती है जिसकी डेंसिटी जिससे मैच करती है उस लेवल पर जाकर रुकती है। तो FADH2 जो मॉलिक्यूल होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, NADH प्लस एच प्लस से कम है। और यहां पर कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, डिक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज है। तो FADH2 का जो मॉलिक्यूल है, FADH2 का मॉलिक्यूल यहां से एंट्री नहीं करता है, FADH2 का मॉलिक्यूल याद रखना इस सिस्टम में, ये हम हटा रहे हैं, देखना ध्यान से, जो FAD कॉम्प्लेक्स होता है, FAD बेकिंग कॉम्प्लेक्स होता है, FADH2 मॉलिक्यूल यहां पर ब्रेक होता है किसमें, FAD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहां से तुम्हारा FAD का जो 2H प्लस है, ध्यान देना ये 2H प्लस, दिस 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दिस बोथ इंटर्स फ्रॉम हियर, ये यहां से इंटर करते हैं, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, तो यहां से ब्रेक डाउन करके इंटर नहीं करता, इसका जो एक्सेप्टर है इसका, इसको इस जिस लेवल पर इसके 2H प्लस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है उनको उसको ये रिसीव करता है यूनिट यहां का, तो यहां से ब्रेक नहीं होता है। तो FADH2 इस पॉइंट से इंटर होगा, लिसन टू मी, तो इसके साथ में सारा सिनेरियो वही होगा, फिर एच प्लस को इधर ले जाना ले जाना। FADH2 अगर यहां से इंटर करेगा, यहां से इंटर नहीं करेगा, तो बताओ कितने स्टेप्स आएंगे जहां पर उससे मिट्टी की बनवा सकते हैं, तो एक दो ये स्टेप उसने बाईपास कर लिया। यस समझ पा रहे हैं, तो FADH2 यहां से इंटर करता है, रिडॉक्स पोटेंशियल एनडीएस से कम है, इस वजह से FADH2 से दो ही एटीपी बन पाती है। समझ गए, ठीक है, दैट्स ऑल।